हे गाइस, आई होप तुम लोग सब अपना पढ़ाई कर रहे हो बराबर ध्यान से और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और टाइमली अपने वीडियोस ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि मैं कुछ टाइम बाद वो सारे वीडियोस वहाँ से हटाने वाला हूँ। लेट मी चेक कि कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है, और जिन्होंने नहीं किया होगा ना उनको बाद में भी आई विल नॉट प्रोवाइड द वीडियोस, क्योंकि अभी सब वीडियोस बन के डल रहे हैं। तो आप टाइमली अपनी चीज़ें करें ताकि यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम एट योर एंड। जब आपके एग्जाम आएंगे तो उससे पहले कम से कम आपके पास इतना टाइम रहे कि आप एक बार खुद से भी उन सब चीज़ों को कर सकें। ठीक है, तो अपन ने इस चैप्टर को पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जिसमें मैंने आपको पहले बोरोइंग्स का बेसिक बताया था और उसके बाद फिर अपन ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के बारे में डिस्कस किया था, उनका मीनिंग डिस्कस किया था कि क्या होता है ईसीबी। फिर अपन ने फ्रेमवर्क डिस्कस किए थे फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड और इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड। फिर अपन ने ये देखा था कि कौन कौन लेंड कर सकता है। आज अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो स्टार्ट करते हैं। ये वाला चैप्टर आप न्यू वाली मॉड्यूल यानी जून 2020 की मॉड्यूल से करिएगा, क्योंकि जो पुरानी वाली मॉड्यूल है दिसंबर 2019 की, उसमें पुराना फ्रेमवर्क है। ये नया फ्रेमवर्क है जो अभी आरबीआई ने कुछ टाइम पहले ही दिया है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, यानी कितने टाइम का मैच्योरिटी पीरियड रहेगा जिसके बाद जो है आप ईसीबी को वापस क्लेम कर सकते हो। इसका मतलब जिन लेंडर्स ने आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग दी होगी वो इस मैच्योरिटी पीरियड के ख़त्म होने के बाद आपसे वो पैसा वापस मांग सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपकी रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी ये मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद। जनरली क्या होता है, जब आप ईसीबी लेते हो तो उसमें 3 साल का मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होता है। यहाँ पे लिखा है ना जनरल 3 इयर्स। ऑप्शन टू कॉल बैक द लोन एक्टिवेट्स आफ्टर द 3 इयर्स, मतलब 3 साल के बाद जो है उस लोन को वापस बुलाने का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने लेंड किया था 3 साल के बाद उनके पास ऑप्शन आ जाएगा कि अब वो आपसे उस लोन का रीपेमेंट ले सकते हैं। लेकिन ये जो जनरल है 3 साल, ये जनरली है, मतलब जनरलाइज प्रोविजन है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो वो एक्सेप्शंस इस हिसाब से हैं कि जो सबसे पहला है उसमें लिखा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़। याद रखिएगा क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ईसीबी अप टू $50 मिलियन। तो $50 मिलियन तक का जो ईसीबी रहेगा उसका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है 1 साल। फिर ईसीबी रेस्ट फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर, आप किसके थ्रू ईसीबी रेस्ट कर रहे हो, स्पेसिफिकली लिखा है फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर वर्किंग कैपिटल जनरल कॉरपोरेट पर्पस एंड रीपेमेंट ऑफ द रुपी लोन्स, मतलब बिजनेस चलाने के लिए, वर्किंग कैपिटल फंक्शन करने के लिए, जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए और रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन्स, यानी जो आपने रुपी लोन्स लिए थे उनको रीपे करने के लिए अगर आप ईसीबी रेस कर रहे हो और वो भी फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर, तो इसमें मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना है आपका, 5 साल। फिर ईसीबी रेज फॉर वर्किंग कैपिटल जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसीज फॉर वर्किंग कैपिटल एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। जो यहाँ पे लिखा है ना वर्ड ऑन लेंडिंग, इसका मतलब ये होता है कि कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो इंडिया में है, उसको अब अपना वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉरपोरेट बोरोइंग्स का बिजनेस करना है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी भी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कंपनी का नाम ले लीजिए, फॉर एग्जांपल कैपिटल फर्स्ट। तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है। अब इसको लोन्स देने हैं, तो लोन्स देने के लिए आपको चाहिए पैसा, तो इस कंपनी को भी पैसा चाहिए। तो ये कंपनी चाहे तो बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले सकती है और इसको ऑन लेंड कर सकती है, मतलब खुद ने बोरो किया अब ये आगे किसी को लेंड करेगी फॉर वर्किंग कैपिटल एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। तो इन चीज़ों के लिए अगर आपने वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए किया है या किसी एनबीएफसी ने किया है रेस, तो ये 10 साल तक का मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड इसके अंदर है। फिर ईसीबी रेस फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन्स अवेल्ड डोमेस्टिकली, डोमेस्टिकली जो आपने रुपी लोन्स लिए फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड एसेट क्रिएशन ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसीज फॉर द सेम पर्पस। सिमिलरली ऐसे एनबीएफसीज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन देते हैं, अगर उन्होंने ऑन लेंडिंग पर्पसेस के लिए ये लोन बोरो किया है, तो उसका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना रहेगा, 7 साल। फिर आ जाएगा ईसीबी रेस फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन्स अवेल्ड डोमेस्टिकली फॉर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसीज फॉर द सेम पर्पस, तो इसका आपका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 10 साल। ठीक है,
फॉर सीरियल नंबर्स 2 to 5 यानी इन सब के लिए इट मे बी नोटेड दैट ईसीबी कैन नॉट बी रेस्ड फ्रॉम फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स. जो इंडियन बैंक्स की सब्सिडरीज और फॉरेन ब्रांचेस हैं आप उनसे इन पर्पसेस के लिए ईसीबी को रेज नहीं कर सकते. द प्रिस्क्राइब मिनिमम एवरेज मेचोरिटी पीरियड विल हैव टू बी स्ट्रिक्टली कम्प्लाइड विद अंडर ऑल कंडीशंस. मतलब जो भी इसमें मिनिमम एवरेज मेचोरिटी पीरियड लिखा हुआ है आपको उसको स्ट्रिक्टली कम्प्लाई करना पड़ेगा अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस और अंडर ऑल कंडीशंस. फिर आता है ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम. ऑल इन कॉस्ट सीलिंग का मतलब होता है, ये जो टर्म है ऑल इन कॉस्ट सीलिंग मतलब लोन से रिलेटेड सारे कॉस्ट. मैंने आपको जब बेसिक में पढ़ाया था तब उस पर मैंने आपको बताया था कि ऑल इन कॉस्ट का मतलब क्या होता है. आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिखाया था अपने क्लाइंट का जिसमें अलग अलग टाइप के चार्जेस लिखे थे. तो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग का मतलब होता है इस लोन पे लगने वाले जितने भी चार्जेस हैं, इंटरेस्ट जो भी चार्जेस हैं, वो सब टोटल इसके अंदर आ जाने चाहिए. हाउएवर चार्जेस में कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल हो गया विद होल्डिंग टैक्स. तो विद होल्डिंग टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो इंडिया में लगता है, तो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता. तो इसमें देखिए अपन क्या लिखा हुआ है, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम यानी पर एक साल का जो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग है पर एनम इज द बेंचमार्क रेट प्लस 450 बेसिस पॉइंट्स. 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1%. 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 1%. तो 450 बेसिस पॉइंट्स होगा 4.5%. तो यहाँ पे लिखा है ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम इज द बेंचमार्क रेट प्लस 450 बेसिस पॉइंट स्प्रेड. जितनी बेंचमार्क रेट होगी ना उसके ऊपर 4.5% एक्स्ट्रा. तो ये हो जाएगा आपका ऑल इन कॉस्ट. ऑल इन कॉस्ट मींस इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस, इसको याद रखिएगा. ऑल इन कॉस्ट मींस इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस दैट इज इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस एंड अदर चार्जेस. Therefore, if the benchmark rate is 10%, then all-in cost ceiling would be 14.5%. So, 14.5% of the ECB borrowed should include all the charges to be charged on the ECB. ठीक है? इसका मतलब अगर मैंने यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैंने $1 lakh का ECB raise किया है तो वो बोल रहे हैं कि ऑल इन कॉस्ट सीलिंग जो है आपकी वो होनी चाहिए 14.5%. तो इस हिसाब से इस पर $14,500 का टोटल चार्जेस इस लोन के ऊपर आने चाहिए और इस 14,500 के अंदर ही जो है मेरा इंटरेस्ट प्रोसेसिंग चार्जेस और जो भी अदर चार्जेस हैं वो इंक्लूड हो जाने चाहिए. इट विल नॉट इंक्लूड कमिटमेंट फीस एंड विदहोल्डिंग टैक्स पेबल इन द इंडियन नेशनल रूपी. इसमें कमिटमेंट फीस और विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो नहीं आएगा. फॉर FCCBs दैट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स द इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस शुड नॉट एक्सीड 4% ऑफ द इशू साइज एंड इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट्स दीज एक्सपेंसेस शुड नॉट एक्सीड 2% ऑफ द इशू साइज. तो FCCBs के लिए जो है वो इशू रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे ना, अब आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को अगर इशू कर रहे हो तो जो इशू आप करवाओगे उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस भी लगते हैं. तो वो जो एक्सपेंसेस है इसके लिए लिखा है कि 4% जो भी आप इशू कर रहे हो, मान लो अगर इशू साइज आपका $1 lakh का ही है तो $4,000 से ज़्यादा का इशू एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए. वैसे ही प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए 2% का जो इशू साइज का एक्सपेंडिचर है वो मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. प्राइवेट प्लेसमेंट और FCCB जो होते हैं वो ओवरऑल पूरी जनता को होते हैं FCCBs इशू, और प्राइवेट प्लेसमेंट किसी प्राइवेट पार्टी को दिए जाते हैं. अंडर द ट्रेड क्रेडिट फ्रेमवर्क. ट्रेड क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या होता है? जो ट्रेड क्रेडिट होता है ये बैंकों द्वारा आपको एक क्रेडिट दिया जाता है इन ऑर्डर टू कंडक्ट योर बिजनेस. तो आपने सुना होगा सप्लायर्स क्रेडिट एंड बायर्स क्रेडिट. तो ये भी एक टाइप का क्रेडिट होता है जो बैंक देती है फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस और एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए. द ऑल इन कॉस्ट शैल इंक्लूड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदर फीस, एक्सपेंसेस, चार्जेस, गारंटी फीस वेदर पेड इन फॉरेन करेंसी और INR. विद होल्डिंग टैक्स पेबल इन INR शैल नॉट बी अ पार्ट ऑफ ऑल इन कॉस्ट. ECB
और ट्रेड क्रेडिट प्रोसीड्स कैन नॉट बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड चार्जेस। जो भी आप ईसीबी और ट्रेड क्रेडिट लोगे ना, उसको आप इसी ईसीबी के ऊपर होने वाले इंटरेस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इसके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट को आपको खुद के कमाए हुए पैसे से ही देना पड़ेगा। आपने लोन लिया, वो लोन आपने अपने बिजनेस में लगाया, फिर बिजनेस में से आपने जो कमाया उस कमाई के पैसे से आप ईसीबी का चार्जेस या इंटरेस्ट या जो भी है वो आपको भरना पड़ेगा। फर्दर द बेंचमार्क रेट इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी ईसीबी रेफर्स टू। अब जो फॉरेन करेंसी ईसीबी होगा उसमें बेंचमार्क रेट क्या होगी, बेंचमार्क रेट मतलब यहाँ पर जो अपन ने पढ़ा था, तो बेंचमार्क रेट इसके लिए क्या होगी, 6 months लाइबोर रेट ऑफ डिफरेंट करेंसीज और एनी अदर 6 month इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट, या तो 6 महीने की लाइबोर रेट या फिर 6 महीने की कोई भी इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू द करेंसी ऑफ बोरोइंग। फॉर एग्जाम्पल यूरीबोर। बेंचमार्क रेट इन केस ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी और ट्रेड क्रेडिट विल बी प्रिवेलिंग द यील्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेचोरिटी। मतलब ये जो पैराग्राफ लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम बेंचमार्क रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कहते हो बेंचमार्क रेट, इसका मतलब होता है बेस रेट, ठीक है। अब बेस रेट जो है वो आपके हर लोन में डिसाइड होगी। आपको आपको पता ही है कि जो ईसीबी फ्रेमवर्क होता है वो दो टाइप का होता है, एक फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड और एक हो गया आपका INR या इंडियन नेशनल रुपी डिनोमिनेटेड। तो इंडियन नेशनल रुपी डिनोमिनेटेड के लिए वो बोल रहा है जो भी आपका यील्ड है ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड या सिक्योरिटीज वो रहेगा आपका बेस रेट। मान लीजिए GOI का जो अभी यील्ड चल रहा है, अभी जो पिछला इशू आया था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स का, उसके ऊपर यील्ड चल रही थी 5%। तो मान लीजिए ये यील्ड चल रही है 5%, तो यहाँ पर जो इसका बेंचमार्क रेट हो जाएगा वो 5% हो जाएगा। और फॉरेन करेंसी ईसीबी के लिए बोल रहे हैं वो कि आपको दो चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी, या तो वो होगा लाइबोर रेट या तो फिर होगा कोई भी और इंटरबैंक रेट, जैसे फॉर एग्जांपल यूरीबोर। तो ये लाइबोर और यूरीबोर क्या होता है, लाइबोर होता है लंदन इंटरबैंक ऑपरेशनल रेट और यूरीबोर होता है यूरोपीय इंटरबैंक ऑपरेशनल रेट। तो ये लंदन के बैंक्स के लिए होता है, इसमें क्या होता है इंटरबैंक, यानी एक बैंक अगर दूसरे बैंक से बोरो कर रही है तो किस रेट पर बोरो करेगी वो होता है ये, तो इंटरबैंक बोरोइंग रेट होती है ये, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली इन लंदन। लेकिन इसका एक लिमिटेशन ये है कि इसमें सिर्फ कुछ करेंसीज कवर होती है, और जो यूरीबोर होता है वो ऑल ओवर यूरोप के लिए है, ठीक है। ये भी जो होती है वो इंटरबैंक बोरोइंग होती है, और इसमें जनरली ऑल करेंसीज आर कवर्ड। तो इन दोनों में ही जो भी आप लोगे, या तो लाइबोर लोगे या यूरीबोर लोगे, उसको बेस रेट माना जाएगा। फिर उसके ऊपर 450 पॉइंट का बेसिस पॉइंट्स का जो है वो स्प्रेड लिया जाएगा, और फिर आपकी आएगी ऑल इन कॉस्ट सीलिंग ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अदर कॉस्ट के बारे में क्या लिखा है, प्री पेमेंट चार्जेस और पेनल इंटरेस्ट। प्री पेमेंट चार्जेस भी होते हैं, मान लीजिए अगर आपने मिनिमम एवरेज मेचोरिटी पीरियड से पहले पे ऑफ कर दिया तो प्री पेमेंट के चार्जेस लग जाएंगे, ठीक है। पेनल इंटरेस्ट मतलब अगर पेनल्टी के तौर पर कोई इंटरेस्ट लगा तो वो इस ऑल इन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, बट ऑब्वियसली क्योंकि पेनल इंटरेस्ट और ये जो प्री पेमेंट चार्जेस होते हैं ये कंटिंजेंट चार्जेस हैं, राइट, दीज आर कंटिंजेंट बेसिस, क्योंकि पक्का नहीं है कि ये लगेंगे या नहीं, इसलिए ये ऑल इन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते। दीज आर कंटिंजेंट चार्जेस और इनका होना जो है वो फिक्स नहीं होता।
इसलिए ये वाले चार्जेस जो हैं वो ऑल इन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होते। तो प्री पेमेंट चार्जेस और पेनल इंटरेस्ट के लिए बोला है इट शुड नॉट बी मोर देन 2% ओवर एंड अबव द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। मतलब अगर यहाँ पर आपका ऑल इन कॉस्ट सीलिंग जो है वो 14.5% आ रही थी, तो इसके ऊपर जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड होगा उसके ऊपर 2% लग जाएगा फॉर पेनल इंटरेस्ट एंड प्री पेमेंट चार्जेस। समझ आया? अब हम आगे चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है एंड यूजेस ऑफ ईसीबी, यानी आप कहाँ कहाँ ईसीबी को यूज़ करोगे। लेकिन उसके लिए इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट दी हुई है, प्रोहिबिटेड सेक्टर्स, मतलब इन जगहों पर आप नहीं यूज़ कर सकते अपने ईसीबी के फंड्स। कौन कौन सी जगह है? ईसीबी प्रोसीड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर रियल एस्टेट एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट। नंबर थ्री, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इन तीनों के लिए आप ईसीबी को यूज़ नहीं कर सकते। वर्किंग कैपिटल पर्पसेस एक्सेप्ट पॉइंट टू एंड थ्री फ्रॉम द अबव टेबल। तो पॉइंट टू एंड थ्री में अपन ने क्या पढ़ा था? पॉइंट टू में अपन ने पढ़ा था कि अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए बोरो करते हो फ्रॉम एन इक्विटी होल्डर, यानी जो आपकी कंपनी का इक्विटी होल्डर है, अगर आपने उससे बोरो किया है, वो अपन ने पढ़ा था पॉइंट नंबर टू में। और पॉइंट नंबर थ्री में अपन ने पढ़ा था अगर आपने ईसीबी जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए ही रेस किया है तो ही आप उसको वर्किंग कैपिटल में यूज़ कर सकते हो। अगर आपने जनरल पर्पसेस के लिए रेस किया है तो आप उसको वर्किंग कैपिटल के अंदर नहीं ले सकते। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए अगर रेस किया है तो आपको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में ही उसको यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर पॉइंट टू एंड थ्री फ्रॉम द अबव टेबल। रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, अगर आपने स्पेसिफिकली रीपेमेंट के लिए लिया हुआ है तो ही आप उसे रीपेमेंट में यूज़ करोगे, अदरवाइज नहीं। ऑन लेंडिंग एक्टिविटीज़ भी, अगर आपने स्पेसिफिकली ऑन लेंडिंग पर्पसेस के लिए लिया हुआ है तो ही आप उसको ऑन लेंडिंग के लिए यूज़ करोगे, अदरवाइज नहीं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने जिन पर्पसेस के लिए ईसीबी को रेस किया, अपनी एप्लीकेशन में आपने पर्पस ज़रूर मेंशन किया होगा कि हम इस पर्पस के लिए जो है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स को रेस करना चाहते हैं। तो आपने जिन पर्पसेस के लिए ईसीबी को रेस किया है आपको उन्हीं पर्पसेस में उसको यूज़ करना पड़ेगा, उसके अलावा आप और किसी पर्पस के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, चले आगे। अब अपन आते हैं एक्सचेंज रेट एंड द चेंज ऑफ करेंसी। एक्सचेंज रेट और चेंज ऑफ करेंसी में फ़र्क क्या होता है? एक्सचेंज रेट वो होगी जिस दिन आपका पैसा इंडिया में आया और अब आपको इंडिया में अब उसको लेकर आए हो, तो अब बट ऑब्वियसली आप वो फॉरेन करेंसी में यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ होगा तो वो फॉरेन करेंसी सरेंडर करके आपको उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर यूजिंग इट, राइट। तो जब आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दोगे तो उस दिन होगा आपका एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल। और चेंज ऑफ करेंसी का मतलब होता है, मान लीजिए इनिशियली मैंने फॉरेन करेंसी ईसीबी रेस करी, ठीक है, दिसंबर में मैंने फॉरेन करेंसी ईसीबी रेस करी जिसका जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसमें ये लिखा था कि जो पैसा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स का वो यूएस डॉलर में जो है मुझे मिल जाएगा फेब्रवरी में। अब जनवरी आया बीच में, जनवरी में मुझे लगा कि मुझे जो है फॉरेन करेंसी यानी यूएस डॉलर ईसीबी नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे वहीं से ही डायरेक्टली इंडियन नेशनल रुपी की ईसीबी ले लेनी चाहिए थी। मान लीजिए 18 तारीख को मैंने उनसे बोला 18 जनवरी को कि आप एक काम करिए, आप मुझे यूएस डॉलर्स की ईसीबी ना दीजिए, आप मुझे जो है आईएनआर का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ही दे दीजिए। तो जितना भी इक्विवेलेंट होगा, 18 तारीख को जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस दिन हमारी करेंसी को चेंज किया गया, तो उस दिन का जो रेट प्रिवेलेंट होगा उस दिन का आईएनआर पे वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको और एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर लिख कर। एक्सचेंज रेट ये होगा जिस दिन पैसा इंडिया आया इन यूएस डॉलर and for using it you have to
कन्वर्ट इन रुपीस, राइट? इसको यूज करने के लिए आपको रुपीस में इसको कन्वर्ट करना जरूरी है. एग्जाम्पल, द मनी केम ऑन 22 फेब्रुअरी 2019, और इस दिन जो एक्सचेंज रेट चल रही थी, $1 इक्वल टू ₹72.5, तो आपका इस रेट पर जो है वो कन्वर्जन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल होता है एक्सचेंज रेट का. अब जो अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं फॉर चेंज ऑफ करेंसी. ठीक है, अब अपन बात करते हैं चेंज ऑफ करेंसी के बारे में, कि चेंज ऑफ करेंसी के अंदर क्या होता है. मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लीजिए मैं हूँ ए लिमिटेड, और मेरा ईसीबी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ एसबीसी बैंक के साथ. ठीक है, ये बैंक है अमेरिका में. एसबीसी बैंक के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मुझे ईसीबी चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का हुआ? फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फॉर $2 लाख. तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसकी डेट थी 27 दिसंबर 2018. ठीक है, फिर डिसबर्समेंट की डेट आ गई कि ये लोग मुझे पैसा किस दिन डिसबर्स करेंगे. इन्होंने बोला हम आपको 6 फरवरी 2019 को जो है वो पैसा डिसबर्स कर देंगे. ठीक है, मतलब 6 फरवरी 2019 को आपके पास US$2 लाख जो है वो इंडिया पहुंच जाएंगे. फिर उस दिन जो एक्सचेंज रेट होगी, आप उसको एक्सचेंज करा लेना और अपना पैसा ले लेना. लेकिन अब बीच में क्या हुआ, 20 जनवरी को मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे जो है इसको US$ECB ना कर कर मुझे इसे INR ECB करना है. तो मेरा हो गया चेंज ऑफ करेंसी. ये हुआ मेरा 20 जनवरी को. मैंने इनसे कहा कि आप मुझे US$2 लाख का ECB मत दो, आप इसको जो है चेंज कर दो INR में. मान लीजिए आप इसको चेंज कर दो INR में, और जो चेंज की डेट थी वो ये वाली होगी, और उस दिन जो रेट चल रहा था वो चल रहा था US$1 इक्वल टू ₹70, राइट? तो अब जब ये मुझे मिलेगा लोन, तो ये हो जाएगा 1 करोड़ 40 लाख का INR में. और ये जो मेरा डिसाइड हो गया, ये कब हुआ? ये मेरा 20 तारीख को डिसाइड हो गया, क्योंकि उसी दिन जो है चेंज हो गया, तो उस दिन की जो रेट चल रही थी उस पर ये मेरा एक्सचेंज हो गया. अब मान लीजिए ऐसा नहीं होता, और डिसबर्समेंट डेट पर मुझे US डॉलर्स ये जो 2 लाख है वो मिल जाते, और उस दिन जो रेट चलती वो होती US$1 इज इक्वल टू ₹71. तो अगर ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर जो 2 लाख डॉलर्स मुझे मिलते वो ₹71 के हिसाब से मिलते. तो ये फर्क होता है दोनों में, चेंज ऑफ करेंसी और एक्सचेंज रेट में. ठीक है, तो अभी अपन को चेंज ऑफ करेंसी और एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ना है कि कौन सी रेट अप्लाई होगी, कैसे चेंज ऑफ करेंसी होगा, या कैसे जो है एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी. तो चेंज एक्सचेंज रेट एंड चेंज ऑफ करेंसी फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग टू एनी अदर फॉरेन करेंसी और INR, इट इज़ फ्रीली परमिटेड.
मतलब अगर कोई एफसी फॉरेन करेंसी ईसीबी है तो आप उसको किसी और फॉरेन करेंसी ईसीबी में या इंटरनेशनल रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी आईएनआर की ईसीबी है, मतलब आईएनआर ओरिएंटेड ईसीबी आपने खरीदी है, तो आप उसको किसी और फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, दो फ्रेमवर्क्स पढ़े थे, एक फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी पढ़ी थी और एक आईएनआर डिनोमिनेटेड ईसीबी पढ़ी थी। तो जो आपकी फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी है, आप उसको किसी दूसरी फॉरेन करेंसी में या फिर आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप आईएनआर डिनोमिनेटेड ईसीबी को किसी और फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ईसीबी फ्रेमवर्क डज नॉट अप्लाई टू द इन्वेस्टमेंट इन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन इंडिया बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इसको सिर्फ एज अ फैक्ट याद कर लीजिए कि ईसीबी फ्रेमवर्क जो है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में अप्लाई नहीं होता इन इंडिया बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये जो हो जाएगा वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है एनसीडीज में, उसको अपन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। फॉर द चेंज ऑफ करेंसी ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग टू इंडियन रुपी ईसीबी, इट शैल बी एट द रेट एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, जो अपने केस में था 20 तारीख। ठीक है, और एट अ लोअर रेट, या तो उससे कम की रेट पे, एज डिसाइडेड बाय बोथ द पार्टीज, जैसा कि म्यूचुअली हो डिसाइड हो। फॉर द कन्वर्जन टू रुपी द रेट एज प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट, जिस दिन आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होगा, मान लीजिए अगर आपको जो आपने फॉरेन करेंसी ईसीबी लिया है, जो मेरे एग्जाम्पल में था कि 6 तारीख को जो है वो पैसा यहाँ आ रहा था, तो मेरे वाले एग्जाम्पल में 6 फरवरी होगा, या फिर मैंने और कोई डेट ली थी, अगर यहाँ पे ब्लू वाले में मैंने क्या डेट ली थी, 22 तारीख ली थी, तो उस दिन को 22 तारीख का डेट लिया जाएगा। या फिर जो सेकेंड एग्जाम्पल था उसमें मैंने कहा था कि अगर ये यूएस डॉलर्स में आता तो 6 तारीख को जो रेट होगी उस दिन ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर रहा हो। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। फिर अपन आगे चलें, हेजिंग प्रोविजन। हेजिंग का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन। खुद को बचाने के लिए अगर मुझे कुछ करना पड़े तो उसको कहा जाता है हेजिंग। ठीक है, हेजिंग को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ। ठीक है, मैं एक फार्मर हूँ और मेरे फार्म में जो है वो वीट उगता है। मुझे पता है कि 1 क्विंटल ऑफ वीट जो मैं उगाता हूँ उसको सब मार्केटेबल कंडीशन में लाने के लिए, मेरा 1 क्विंटल ऑफ वीट के लिए मुझे 20 रुपये लगते हैं। मतलब 1 क्विंटल वीट को हार्वेस्ट करने के लिए मुझे 20 रुपये लगते हैं। ठीक है, अब इस जो ये वीट होगा मेरा, ये तो मेरा कॉस्ट हो गया कि मुझे 20 रुपये इसको हार्वेस्ट करने के लिए लगते ही लगते हैं। अब हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद जब ये मार्केट में जाएगा तो जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट होगा उस पर ये बिकेगा, और मार्केट रेट जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो तो मेरी कॉस्ट जो है वो होगी, लेकिन मार्केट रेट जो होगा वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड होगा, क्योंकि ये एक फूड ग्रेन है। अभी जैसे अपने यहाँ कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपने देखा ही होगा जो राशन है वो बहुत ही सस्ते रेट्स पर गवर्नमेंट जो है वो दे रही है, यानी सब्सिडाइज रेट्स पर दे रही है, 2 रुपीज़ पर केजी हो गया या कुछ हो गया। तो जो अगर ऐसी कंडीशंस अगर आती हैं तो उसमें मेरा नुकसान होगा, क्योंकि जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है 20 रुपये की, वो मुझे पूरी नहीं पड़ेगी, मेरे को उससे जो उसमें पैसे हैं वो अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस ना आए उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पोजीशन को हेज कर सकता हूँ या अपनी पोजीशन को सिक्योर कर सकता हूँ कि अगर मुझे चाहिए तो कल को मुझे किसी चीज़ का नुकसान ना हो। तो इस कॉस्ट को कवर करने के लिए मैं आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लूँगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मैं पर क्विंटल
जो वीट है वो मार्केट में 22 रुपए से कम नहीं बेचूंगा, ठीक है? अब इन फ्यूचर अगर वीट की रेट पर क्विंटल हो गई ₹20, तो इस केस में जो मुझे फायदा होगा वो होगा ₹2 पर क्विंटल, क्योंकि मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं 22 रुपए का ही बेचूंगा, तो ₹2 पर क्विंटल का मुझे यहाँ पे फायदा हो गया। लेकिन अगर कल को ये रेट हो गई 24, तो यहाँ पर क्या होगा, ₹2 का नुकसान पर क्विंटल। क्यों? क्योंकि मैंने 22 रुपए के हिसाब से उसको बेचना के लिए मैंने उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हुआ था। तो ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये मैंने खुद को बचाने के लिए एंटर किया। अब खुद को बचाने के लिए ये किस तरीके से काम करेगा, ये मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि कल को अगर मार्केट कंडीशंस गिर गई तो मैं बच जाऊंगा और मेरे को जो है वो 22 रुपए पे ही जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, तो मेरे को मेरा जो 2 रुपए का फ़ायदा चाहिए था पर क्विंटल का, वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हेजिंग। तो यहाँ पर ये तो जैसे मैंने बहुत ही जनरल एग्जाम्पल दिया, जो फॉरेन करेंसी अपना मार्केट है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग मार्केट है। आज रेट कुछ और है, फॉर एग्जाम्पल $1 इज़ ₹72 और 73, कल को जाकर ये बढ़ जाए तो अगर आपने ECB लिया हुआ है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लिया हुआ है, तो हो सकता है एक्सचेंज रेट के कारण आपके ECB में भी फ्लक्चुएशन आ जाए और आपको ज़्यादा पैसा भरने की भी नौबत आ सकती है। वाई? बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन ना आए और हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ, इसलिए RBI ने बोला कि आपको हेजिंग प्रोविजंस को रखना पड़ेगा साथ में, यानी आप अपने ECB के लिए हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को एंटर कर लें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर लें, जिसमें इसी दिन जो है वो रेट डिसाइड हो जाएगी कि आप कितने रेट पर करेंसी का एक्सचेंज करोगे, ठीक है? तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, हेजिंग प्रोविजंस एज पर दी नॉर्म्स ऑफ RBI के अंदर क्या लिखा हुआ था, हेजिंग इज अ वे टू कवर वन सेल्फ अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू इट, ठीक है? इट इज़ अ वे टू कवर वन सेल्फ अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनीज इट इज़ मैंडेटरी, इनके लिए ज़रूरी है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू हैज 70% ऑफ द ECB एक्सपोजर। जितना भी उन्होंने उन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लिया है उसका 70% हैज करना उनके लिए कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर $1,00,000 का इन्होंने ECB लिया होगा, तो $70,000 तक का इनको हैज करना ज़रूरी है। वेयर मिनिमम एवरेज मेचोरिटी पीरियड इज लेस देन 5 ईयर्स, जहाँ पर MAMP 5 साल से कम है। द AD बैंक शैल कन्फर्म द सेम एंड रिपोर्ट टू द RBI, मतलब इसका रिपोर्टिंग RBI को कंपलसरी है इन फॉर्म ECB 2, और ये कौन करेगा, आपका आपका AD कैटेगरी बैंक। द एंटिटीज हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस इशूड बाई द सेक्टोरल रेगुलेटर्स इन दिस बिहाफ, जो भी सेक्टर वाइज रेगुलेशंस होंगी, जैसे जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो उस सेक्टर की जो रेगुलेशंस होंगी फॉर हेजिंग, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें, तो अगर हम कवरेज की बात करते हैं, इट इज़ मैंडेटरी टू कवर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट थ्रू फाइनेंशियल हेज, ये ज़रूरी है कि आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को कवर करें। द हेज शुड स्टार्ट फ्रॉम द डे व्हेन द लोन इज बुक, जिस दिन आपने लोन बुक किया उस दिन से आपका हेजिंग भी स्टार्ट हो जाना चाहिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बोरोअर, मतलब जिस दिन आपके बुक्स में ये एंटर हो गया, ये आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उसी दिन से आपने आपके लिए ज़रूरी है कि आपने हेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर किया हो। टेनर एंड रोल ओवर, मिनिमम टेनर इज़ 1 ईयर विच इज़ कंपलसरी, मतलब कम से कम 1 साल का हेजिंग तो आपको करके ही रखना पड़ेगा, लेकिन इसके आगे बोला गया है कि इस 1 साल के बाद रोल ओवर भी होगा। रोल ओवर का मतलब उतनी ही ड्यूरेशन से वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए पहला साल कंपलसरी हो गया, तो 1 साल जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद रोल ओवर होगा इसका नेक्स्ट ईयर तक, तो एक एक साल करके ये जितने टाइम का भी आपका ECB है उतने टाइम तक ये बढ़ता जाएगा। विच शैल बी रिन्यूड जिस जैसे ये रिन्यूड हो जाएगा ऑन दी एक्सपायरी, मतलब जैसे ही 1 साल एक्सपायर होगा फिर ये रिन्यू होता जाएगा।
तो उस हिसाब से आपको ये आपका जो ईसीबी है उसको आपको हेज करके रखना पड़ेगा, ताकि किसी भी टाइम ड्यूरेशन में, अगर वो 5 साल का ईसीबी है, तो कम से कम 5 साल में हर टाइम वो इंश्योर्ड रहे या वो हेज्ड रहे, ताकि कोई ना कोई अगर उसमें फ्लक्चुएशन भी आया तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई लॉसेस ना हो किसी को भी। ठीक है, फिर हम आते हैं नेचुरल हेज पे। नेचुरल हेज क्या होता है, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नेचुरल और फाइनेंशियल हेज के बीच में फर्क क्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वैसे ये आपका फाइनेंस का पार्ट है, इसके अंदर पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरली डीप में तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जनरली मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि डीप में बताने के लिए जो है मुझे पता है कि उसमें क्या क्या बताना चाहिए, लेकिन यू हैव नॉट रीच दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो आपको प्रोफेशनल में ज़्यादा जो है तब समझ में आएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी हेजिंग के इतने प्रोविजन्स आपके अभी है नहीं। तो ये जो होती है वो एक हो गई इसमें फाइनेंशियल हेज, ठीक है, और एक इसके अंदर आती है नेचुरल हेज। फाइनेंशियल हेज में क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ ओनली द लोन्स आर कवर्ड, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल जो है वो आ जाएंगे, और इसके लिए जो है यू हैव टू बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होंगे, मतलब मान लीजिए आज के डेट में मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि मैं 6 महीने बाद जो है आपसे डॉलर खरीदूंगा एट द रेट ऑफ ₹72। अब भले ही उस दिन कुछ भी रेट चल रही हो डॉलर की, लेकिन मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मान लीजिए उस दिन रेट हो गई ₹75, लेकिन मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था उसमें कहा था कि मैं आपसे खरीदूंगा एट ₹72, तो मैं आपसे 72 पे ही खरीदूंगा उस दिन, और ₹3 का जो है मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने अपने आप को इस बढ़ती हुई रेट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो है ये हेजिंग का एक प्रोडक्ट होता है, अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पर वी हैव एंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट ऑफ $1 इक्वल टू ₹72। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल हेज, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट खरीदना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अपन आते हैं नेचुरल हेज पे, जो कि इसका नाम है नेचुरल। तो नेचुरल का मतलब होता है अपने आप से। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, नेचुरल हेज सिर्फ उन्हीं के लिए होगा, ओनली फॉर एंटिटीज हैविंग एक्सपोर्ट अर्निंग्स इन फॉरेन करेंसी। ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिनके पास फॉरेन करेंसी अर्निंग्स है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लोन लिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ली ₹1 लाख की, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग गया, चार्जेस लग गए, तो अब ये बच जाता है मेरा टोटल डॉलर ₹1,14,000 का जो ईसीबी है वो। तो ये तो मेरा हो गया
ये दोनों हो गए मेरे आउटफ्लोस, क्योंकि इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, चार्जेस देने पड़ेंगे, तो आउटफ्लो हो गया, प्लस इसका कुछ भी प्रिंसिपल पोर्शन होगा वो। तो मुझे इतना पता है कि मेरे पास ईसीबी है 1,14,000 का, इंक्लूसिव ऑफ ऑल कॉस्ट, जो कि मुझे पे ऑफ करना है, और ये डॉलर्स में पे ऑफ करना है। तो हो सकता है कल को अगर डॉलर रेट बढ़ गई तो फिर जो है मुझे एक्सचेंज रेट का जो खतरा है वो मेरे ऊपर मंडराता रहेगा। अब इससे बचने का एक तरीका ये है जो नेचुरल सेंस में हो सकता है, वो ये कि आपके जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स आ रहे हैं, आपने बाहर एक्सपोर्ट किया है, तो जिस कंट्री में, मान ली यूएस में ही एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो आपको यूएस डॉलर से अर्निंग तो होगी। तो आप एक काम करो, जितनी अर्निंग आपको यूएस डॉलर में हो रही है ना फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, उसी अर्निंग को यूज़ कर लो इन ऑर्डर टू पे दिस ऑफ, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे अर्निंग होगी इनफ्लो यूएस डॉलर, जो मेरी इनफ्लो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स थे जो मैंने एक्सपोर्ट किया उसके लिए। तो मान लीजिए अगर मुझे वहाँ से जो है 54,000 यूएस डॉलर्स जो है वो मिल गए, राइट? तो 54,000 यूएस डॉलर्स मुझे मिल गए क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट किया था, तो वो मेरी रेवेन्यू हो गई। मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया इन ऑर्डर टू रीपे दिस लोन। अब जो मेरा बैलेंस लोन बच जाता है वो हो जाएगा $60,000। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने नेचुरल हेज का इस्तेमाल किया। जिस करेंसी में मुझे इनकम हुई, मेरा उसी करेंसी का डेट था, तो मैंने इन दोनों को एक दूसरे से सेट ऑफ कर दिया। तो एक तरीके से जो एक्सचेंज रेट का झंझट था ना, वो मेरे ऊपर नहीं हुआ। तो मैंने इसको इससे सेट ऑफ करके मेरा 60,000 का अब लोन बचता है। तो जो मेरी नेक्स्ट अर्निंग होगी एक्सपोर्ट की, वो भी मैं यूटिलाइज करके इसको जो है पे ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से नेचुरली जो मेरा हेज था वो चलता रहा, मुझे एक्सचेंज रेट का झंझट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसमें जो आपका तीसरा पॉइंट हो सकता है वो ये, नो नीड टू बाय एनी प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना पड़े। नेचुरली जो है वो मेरी हेजिंग की प्रोसेस चलती गई, जो मुझे फॉरेन करेंसी रियलाइजेशन हुआ, मैंने उसी का इस्तेमाल करके जो मेरा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग था उसको पे ऑफ कर दिया। तो आई होप क्लियर रहा हो। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक अटेम्प्ट करके आपको ये समझाया है कि नेचुरल हेज और फाइनेंशियल हेज में फ़र्क क्या होता है। तो जो आरबीआई है वो ये कहता है कि अगर आपके पास नेचुरल हेज का प्रोविज़न नहीं है, तो आप फाइनेंशियल हेज लो और उसमें जो भी प्रोडक्ट है आप वो ख़रीद लो, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में या तो आप एंटर कर लो, और फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है उसको रोल ओवर करते जाओ जब तक आपका ईसीबी है, या तो फिर आप नेचुरल हेज का तरीका अपनाओ, यानी कि आप उस कंट्री में एक्सपोर्ट्स करना स्टार्ट कर दो या उस कंट्री से कमाना स्टार्ट कर दो जिस कंट्री से आपने ईसीबी लिया है, तो वो सेम करेंसी हो जाएगी, तो इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो एक दूसरे से सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है? आपकी बुक में ये जो प्रोसेस है नेचुरल हेज का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, उसको पढ़ने के बाद आपको कन्फ्यूजन होगा। तो डोंट रीड दैट, जो मैंने आपको समझाया है सिंपल टर्म्स में वो वही है कि आप इनफ्लो आउटफ्लो को नेट ऑफ कर दो, तो आपका जो बैलेंस बच जाएगा लोन, वो आप नेक्स्ट अर्निंग में कवर कर लो, और अगर पूरा लोन पे ऑफ हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो हेज देयर इन्वेस्टमेंट इन रूपी थ्रू परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट विद द एडी बैंक्स इन इंडिया। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चाहें तो, क्योंकि उनके लिए भी तो खतरा होगा अगर एक्सचेंज रेट जो है वो गिर जाएगी, तो उनके लिए भी खतरा होगा क्योंकि उनके लिए फिर इंडियन रुपीज़ जो है वो महंगा हो जाएगा, राइट? अगर मान लीजिए $1 टू इंडियन रुपीज़ 65 पहुँच गया, तो उनके लिए अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब $1 में वो सिर्फ 65 रुपये खरीद सकते हैं, अदरवाइज पहले वो $1 में 72 रुपीज़ खरीद सकते थे, ठीक है? तो वो खुद को अगर प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करना चाहें तो वो खुद भी ऐसा कर सकते हैं बाय बाइंग द डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अब अपन चले आगे, लिमिट एंड लेवरेज, यानी कि आप किस हद तक ईसीबी ले सकते हो, क्योंकि ईसीबी लेने की भी कोई लिमिट होगी। तो ऑल द एलिजिबल बोरोअर्स, यानी जिन जिन के बारे में भी अपन ने पढ़ा है जो ईसीबी रेज अप कर सकते हैं, उनकी जो मैक्सिमम ईसीबी लिमिट है वो कितनी है, US$750
मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर अंडर दी ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के अंदर आप 750 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा नहीं ले सकते। बियॉन्ड दिस यू नीड टू गो अंडर द अप्रूवल रूट। अगर आपको इससे ज़्यादा लेना है तो आपको अप्रूवल रूट के अंदर आना पड़ेगा। फॉर फॉरन करेंसी डिनोमिनेटेड, याद रखिएगा, फॉर फॉरन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB विच इज़ रेज फ्रॉम डायरेक्ट फॉरन इक्विटी होल्डर, जो आपका फॉरन इक्विटी होल्डर है अगर आपने उससे रेज किया है, द अमाउंट ऑफ ECB टू द अमाउंट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मोर देन 7:1 या शुड बी लेस देन 7:1। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी अमाउंट ऑफ ECB मैं उनसे ले रहा हूँ और जितना उनका इन्वेस्टमेंट है मेरी कंपनी में, तो उन दोनों के बीच में 7:1 का रेशियो होना चाहिए। मान लीजिए जो फॉरेन इक्विटी होल्डर है उनका इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी में 1 लाख US डॉलर्स का है, तो मैं इनसे मैक्सिमम कितना ECB रेज कर सकता हूँ, US$7 लाख। एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का 7 टाइम्स, ठीक है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ द अमाउंट ऑफ न्यू ECB, नया ECB प्लस ओल्ड ECB इज लेस देन US$5 मिलियन, नो नीड टू कम्प्लाई विद द अबव रेशियो। मतलब जब तक आपका टोटल ECB जो आप रेज करना चाहते हो और जो आप रेज कर चुके हो, अगर वो 5 मिलियन US डॉलर्स के ऊपर नहीं है, तो आपको 7:1 के रेशियो का इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो 5 मिलियन US डॉलर्स के ऊपर है, तो आप सिर्फ 7 टाइम्स ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही रेज कर सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर हुआ होगा आई थिंक अब तक। अब अपन चले इशुएंस ऑफ गारंटी बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs आर नॉट परमिटेड टू इशू एनी टाइप्स ऑफ गारंटीज रिलेटेड टू ECB, ठीक है। तो इंडियन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो ECB के लिए कोई गारंटी नहीं इशू कर सकते। फर्दर दे शैल नॉट इन्वेस्ट इन FCCBs एंड FCEBs इन एनी मैनर। तो वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में या फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स में जो है वो किसी भी तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स, पार्किंग का मतलब टेम्प्ररी इन्वेस्टमेंट, कि अगर मेरे पास ECB आ चुका है और लेकिन अभी उसका इस्तेमाल मेरे लिए अभी इतना ज़रूरी नहीं है, तो मैं चाहूँ तो उस ECB को कहीं इन्वेस्ट करके रख सकता हूँ ताकि उससे कोई इनकम मेरी आ जाए। तो पार्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, पार्किंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ ECB प्रोसीड्स, प्लेस ऑफ पार्किंग मतलब कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। परमिटेड एरियाज क्या होंगे उसके, फंड्स मेंट ओनली फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर कैन बी पार्क्ड अब्रॉड, कैन बी पार्क्ड अब्रॉड इन टीबल्स एंड अदर मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग 1 ईयर मैच्योरिटी। किसमें कर सकते हो आप, टीबल्स के अंदर कर सकते हो या दूसरे मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हो, हैविंग 1 ईयर मैच्योरिटी। डिपॉजिट्स विद फॉरेन ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स, आप चाहो तो फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरीज में डिपॉजिट कर सकते हो इस पैसे को। डिपॉजिट्स और अदर प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय बैंक्स, आप चाहो तो दूसरे प्रोडक्ट्स में भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। द रेटिंग्स ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट शैल नॉट बी बिलो AA- by the Standard and Poor Fitch IBCA और AA3 by Moody's। ये जो IBCA और Moody's हैं, ये सब रेटिंग एजेंसीज होती हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो इन इनके ना अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, जैसे ये हो गया AAA+ एक ग्रेड है, AAA- एक ग्रेड है, AA+ हो गया, AA- हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा है ना AA-, वैसे ही अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। और ये AA3 जो है वो Moody's का है, तो इस हिसाब से जो है जो रेटिंग होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, वो AA- से नीचे नहीं होनी चाहिए, AA3 से नीचे नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इस पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कहाँ कर सकते हो, ECB मेंट फॉर डोमेस्टिक रुपी एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ECB विच इज़ मेंट फॉर डोमेस्टिक रुपी एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हमने बोला था फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर। तो डोमेस्टिक रुपी एक्सपेंडिचर शैल बी रिपैट्रिएटेड टू INR अकाउंट विद द ऑथराइज डीलर बैंक इन इंडिया immediately, the borrower can park the funds as deposits with AD bank for a maximum period of 12 months. ये चाहे तो AD bank में अपना पैसा park कर सकते हैं for a maximum period of 12 months. ठीक है,
तो ये है आपका फॉर्म ऑफ टेम्प्ररी इन्वेस्टमेंट। अब हम जो नेक्स्ट चले वो है प्रोसीजर फॉर रेजिंग ईसीबी, यानी आप किन किन तरीकों से ईसीबी को रेज कर सकते हो। आपको पता ही है कि दो तरीके होते हैं रेज करने के, एक होता है अप्रूवल रूट और एक होता है ऑटोमेटिक रूट। तो दोनों में क्या होता है अपन पढ़े, रेजिंग द ईसीबी अंडर ऑटोमेटिक रूट, अप्रोच द ऑथराइज डीलर बैंक विद योर प्रपोजल विद ड्यूली फिल्ड फॉर्म ईसीबी। जो फॉर्म ईसीबी है आप उसको पूरी तरीके से भर लें और बैंक को अप्रोच करें कि एडी बैंक को कि हमको ये ईसीबी जो है वो रेज करना है। अप्रूवल रूट में क्या होगा, अप्रोच द एडी बैंक विद ड्यूली फिल्ड फॉर्म ईसीबी, आफ्टर स्क्रूटनी द एडी बैंक शैल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द आरबीआई। जो ईसीबी के लिए आप एडी बैंक को अप्रोच करोगे तो स्क्रूटनी यानी चेक करने के बाद एडी बैंक जो है वो आपकी एप्लीकेशन को आरबीआई को फॉरवर्ड कर देगा। फिर क्या होगा, आरबीआई शैल कंसिडर द गाइडलाइंस मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड अदर मेरिट्स बिफोर अप्रूविंग ईसीबी अबव सर्टन थ्रेशहोल्ड लिमिट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द एम्पावर्ड कमिटी हु शैल गिव इट्स रिकमेंडेशन टू द आरबीआई। अगर एक कोई थ्रेशोल्ड लिमिट होगी अगर उससे ऊपर आपका ईसीबी है तो फिर जो आरबीआई है वो एम्पावर्ड कमेटी के सामने आपका प्रपोजल रखेगा और फिर वो एम्पावर्ड कमेटी डिसाइड करेगी और अपने रिकमेंडेशंस देगी कि इस प्रपोजल का क्या करना है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, क्या क्या आपको चीज़ें रिपोर्ट करनी पड़ेगी, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये लोन रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। एनी ड्रॉडाउन shall happen only after obtaining the loan registration number from RBI. For the loan registration number, the borrower shall submit the form ECB to the RBI via the AD bank in two copies. दो कॉपीज़ में उनको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। द कॉपी ऑफ द लोन अग्रीमेंट इज़ नॉट नेसेसरी। तो LRN ऑप्टेन करने के लिए जो है आपको ईसीबी वाला जो फॉर्म आप भरोगे फॉर ऑब्टेनिंग द लोन, इसको आपको दो कॉपीज़ में एडी बैंक के पास जो है उसको फाइल करना पड़ेगा, फिर ये एडी बैंक ये आरबीआई को देगा। जब आरबीआई से अप्रूव होगा तो उस पर एलआरएन लिखा हुआ आएगा, यानी लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशंस, द चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन शैल बी मेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, यानी अगर कोई चेंज हो रहा है तो ये दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए। And shall be within the ECB norms. All the changes shall be duly reported and specifically communicated to the RBI at the earliest within 7 days of such change. तो जो भी changes हैं वो आपको 7 दिन के अंदर जो है RBI को report करने पड़ेंगे। जिस दिन भी change हुआ उसके 7 दिन के अंदर आपको RBI को बताना पड़ेगा कि ये changes हैं। क्या changes हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये कहा कि जो एफ सी ई सी बी था हमने उसको INR ECB में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो बहुत ही मेजर चेंज हो गया, तो ये आपको रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। मंथली रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक्चुअल ECB ट्रांजैक्शन शैल बी रिपोर्टेड इन फॉर्म ECB 2 एक्चुअल ECB ट्रांजैक्शन शैल बी रिपोर्टेड इन फॉर्म ECB 2 to the RBI via the AD bank within 7 days of the close of the month. हर महीने के 7 दिन के अंदर आपको ECB के transactions को report करना पड़ेगा RBI के पास through the AD category bank. Late submission fee, any delay in reporting or filing of form ECB 2 shall be accompanied with the late fees as prescribed. जो भी आप delay करोगे ECB 2 file करने के लिए तो जो भी उसके ऊपर late fee है वो आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी अपन यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आप इतना पोर्शन रिवाइज करिए, इसको ध्यान से पढ़ें और फिर अपन इसके बाद आगे चलेंगे। अब इसमें एक वीडियो और लगेगा जिसमें अपन इस चैप्टर को ख़त्म करके फिर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 9 फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फिर अपन वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू नॉट गो आउट and keep following up with your teachers and keep doing your studies because apna time utilize kare jitna ho sake utna usko utilize kare and positive rahe, everything will be very very fine soon, do not worry at all, okay, god bless you all and see you in the next video.